श्रीराम समर्थ मार्च 6। वासना का प्रभुत्व। कोई एक वस्तु अच्छी है और यदि वह प्राप्त हुई तो प्रसन्नता होगी। यह मालूम होते हुए भी हम वह वस्तु प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते, वस्तुतः यह बहुत अयोग्य है, यह पाप ही है। यदि हमें यह बात ज्ञात नहीं हुई तो कोई पाप नहीं, लेकिन वह बात ज्ञात होते हुए भी न करना बहुत पाप है। सच कहा जाए तो प्रयत्न करना हमारे बस की बात है। हम सुनते आ रहे हैं कि अंतिम समय में जो मति होगी वैसे ही गति होगी। मृत्यु के क्षण में जैसी वासना होगी वैसा हमें पुनर्जन्म प्राप्त होगा। अतः वासना ही में हमारा जन्म और वासना ही में हमारी मृत्यु है। यदि यह हमें ज्ञात है तो उसे मन से कैसे हटा सकते हैं। यदि कोई आदमी काला है तो वह अपना काला रंग कैसे हटा पाएगा। वैसे ही वासना मनुष्य का सहज स्वभाव है, वह उसे परिवर्तित नहीं कर सकता। तो क्या हम अपनी वासना से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में एक बात एकदम अलग है और वह है उसकी बुद्धि। हमें ज्ञात होते हुए भी हम वासना और अहंकार को छोड़ते नहीं, यही हमारी गलती है। हमारा अहंकार इतना गहरा है कि हमें ये सभी बातें हमारी ही हैं ऐसा लगता है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, सभी जगह मैं, मेरा कितना वर्णन करें। इसी अहमता के कारण अहंकार बढ़ता है और परिणामतः सभी बातें हमें जैसी चाहिए वैसी होनी चाहिए ऐसी परिपाटी बनती है और जरा भी दुख नहीं होना चाहिए ऐसी स्थिति निर्माण होती है। अर्थात जग में किसी को केवल सुख ही प्राप्त नहीं होता, ऐसा होते हुए भी मनुष्य अहंकार का शिकार हो जाता है और सुख के लालच से वह मृत्यु तक अच्छे बुरे कर्म करते रहता है और तदनुसार उसकी वासना बनती है। वासना का मतलब है अभिमान, मैं का, अहंकार का भाव। अतः अहंकार ही यदि वासना की जड़ है तो उसे मिटाना अपना कर्तव्य नहीं है। सच कहा जाए तो मनुष्य का अहंकार बहुत गहरा बैठ गया है। तो क्या उसे मिटाने के लिए उतने ही सूक्ष्म अस्त्र की आवश्यकता नहीं है। नाम जैसा प्रभावी और सूक्ष्म अस्त्र दूसरा कोई नहीं है। यह परमेश्वर से सबसे अधिक निकटस्थ है। लेकिन ऐसा होते हुए भी हम निष्ठा से, प्रेम से उसे लेते नहीं। हम सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम में आलस इतना भरा हुआ है कि हम नामस्मरण नहीं करते। भगवान ही सब कुछ करने वाला है यह सोचकर उससे रात दिन संबंध यानी अनुसंधान रखना चाहिए और जो यह कर पाएगा उसी के मन से अहंकार हटेगा और यह ध्यान में रखकर ही नामस्मरण करना चाहिए। भक्ति का मर्म है मन से भगवान का हो जाना। जो हम चाहते हैं वह उससे मांग सकते हैं। हमने जो वस्तु उससे मांगी है वह देगा या नहीं भी देगा। यदि उसने मांगी हुई वस्तु हमें दी तो अच्छा ही है, लेकिन हमने जो वस्तु मांगी है वह भगवान ने नहीं दी तो हमें यह समझना चाहिए कि वह वस्तु प्राप्त होना हमारे हित में नहीं है। और वस्तुतः हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए और ऐसी भावना बढ़ने के लिए भगवान ही दाता है। यह ध्यान में रखकर उसका नामस्मरण अधिक किया जाए। आज का मुख्य विचार, जो नामस्मरण में लीन होता है उसका वासना क्षय होता है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।